नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जून दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार के इस फैसले का महागठबंधन में चल रहा विरोध। सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को बताया हास्यपद। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर जदयू ने दी यह प्रतिक्रिया। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने इस वजह से कांग्रेस नेताओं को दी यह चेतावनी। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार के इस फैसले का महागठबंधन में चल रहा विरोध। अभी हाल में ही बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे लेकर राज्य में काफी विरोध चल रहे। अब इसी बीच महागठबंधन के बीच भी करवाहट देखने को मिली। दरअसल भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने शिक्षक नियुक्ति के इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा कि इससे बिहार के छात्रों का हक मारा जाएगा, इसलिए सरकार इस पर पुनर्विचार करे। वहीं आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा भी इसे लेकर आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य में नियोजित शिक्षक और लाखों लोग योग्य शिक्षक अभ्यर्थी वर्षों से सरकार की लचर नियमावली और बहाली प्रक्रिया के कारण बेरोजगार बैठे हैं। जदयू प्रवक्ता ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने के लगाए आरोप। मुस्लिम समुदाय के पर्व बकरीद को लेकर नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को जून महीने का वेतन समय से पहले ही देने का निर्णय लिया था। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा नेता के प्रवक्ता अरविंद सिंह द्वारा कहा गया कि बकरीद को लेकर तय समय से पहले वेतन भुगतान से पार्टी को ऐतराज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को होली और दशहरा क्यों नहीं याद रहता है? यह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है। बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान पर जदयू प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि इससे पहले भी होली, दिवाली और दशहरा के कई ऐसे मौके आए हैं जब समय से पहले सैलरी दी गई है। भाजपा धर्म की राजनीति करती है और जनता को बड़गलाती है। नीतीश कुमार की नीति साफ है कि हम सभी धर्मों और पर्वों का सम्मान करते हैं। सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को बताया हास्यपद। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री का यह बयान हास्यपद है कि अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स में योग्य शिक्षक नहीं मिलने के कारण बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। बिहार के लड़के अखिल भारतीय सेवाओं और IIT आदि में परचम फहरा रहे हैं और मंत्री कह रहे हैं कि इन विषयों में लड़के नहीं मिल रहे हैं। 15 जून के विज्ञापन में बिहार डोमिसाइल की शर्त अनिवार्य रखी गई थी, फिर अचानक उसे क्यों हटा दिया गया? क्या कक्षा 1 से 5 के लिए भी बिहारी प्रतिभा पढ़ाने योग्य नहीं है कि बाहर के लोगों को बुलाया जाए? शिक्षक नियुक्ति में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। राजद विधायक ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। फतेह बहादुर सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से देहरी के विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा दी है। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि रोहतास जिला के DM और SP के संरक्षण में धड़ल्ले से अवैध कारोबार चल रहा है। साथ ही उन्होंने रोहतास जिले में भ्रष्टाचार का जड़ DM और SP को बताया। मालूम हो कि रोहतास जिला सोन नदी के किनारे मिलने वाले बालू के अवैध कारोबार के लिए चर्चा में बना रहता है। ऐसे में राजद विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर SP और DM पर जो आरोप लगाए गए हैं, इसे लेकर खूब चर्चा देखी जा रही है। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर जदयू ने दी यह प्रतिक्रिया। समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में वाद विवाद देखने को मिल रहा है। अभी हाल में ही पीएम मोदी ने भी इसे लेकर बयान दिया था। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता के बयान को लेकर जदयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल जदयू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता KC त्यागी द्वारा कहा गया कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री के बयान पर असंतोष व्यक्त किया है। हमारी पार्टी इसे आगामी आम चुनावों के लिए एक राजनीतिक स्टंट मानती है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बयान का अल्पसंख्यक के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। यह हमेशा याद रखना जरूरी है कि हमारा देश विभिन्न धर्मों और जातीय समूहों के लिए कानूनों और शासन सिद्धांतों के संबंध में एक नाजुक संतुलन आधारित है। उन्होंने कहा कि परामर्श के माध्यम से ठोस निष्कर्ष प्राप्त किए बिना, विभिन्न धार्मिक समूहों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना इसे लागू करने का कोई भी प्रयास सामाजिक घर्षण और धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी पर विश्वास का हास्य पैदा कर सकता है। बिहार राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कही ये बात। एक दीक्षांत समारोह के दौरान बिहार के राज्यपाल का शिक्षा नीति को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने बिना किसी अधिकारी या मंत्री का नाम लिए कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने से कुछ लोगों को आपत्ति है। किसी के मन में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हड़काते रहते हैं, हड़काने वालों में कोई दम नहीं है। इस नीति को लेकर उन्होंने समझने और जानने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हमारी युवा पीढ़ी के हित में है। आज पूरा देश एक नए तरीके से सोच रहा है और बिहार को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम एवं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करते हुए कहा कि उस पर आधारित 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बिहार के छात्रों के हित में है।
पूर्व भाजपा विधायक समेत 85 आरोपियों के विरुद्ध रामनवमी हिंसा को लेकर दाखिल हुआ आरोप पत्र। अभी हाल में ही बिहार में रामनवमी के अवसर पर हिंसा और दंगा देखने को मिला था। इसे लेकर अब पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद समेत 85 आरोपियों के खिलाफ नगर थाना द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मालूम हो कि रामनवमी में दो समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद, पत्थरबाजी और आगजनी की घटना देखने को मिली थी। इस घटना में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 जोड़ने के लिए आवेदन दिए थे, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कभी नीतीश कुमार की करीबी कहलाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की यही उपलब्धि है कि 18 सालों में अपने राज्य में स्कूल में पढ़ाने लायक पर्याप्त शिक्षक भी नहीं बना पाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि याद कीजिए कि पहली बार सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती हेतु SC वर्ग के अभ्यर्थियों की सभी पंचायतों में उपलब्धता नहीं होने के कारण पंचायत से बाहर प्रखंड भर के अभ्यर्थियों के आवेदक होने का अवसर देने का निर्णय लिया था। धूमधाम से राज करने वाली लालू सरकार की यही थी उपलब्धि की 15 वर्षों में SC वर्ग के विद्यार्थी सभी पंचायतों में इंटर तक भी नहीं पहुंच पाए। प्रशांत किशोर ने RJD पर साधा निशाना। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा मंत्री के चंद्रशेखर के बयानों पर कहा कि उनसे स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है, ये RJD की सोची समझी रणनीति है। पार्टी ने जानबूझकर उनसे ऐसा करवाया है। आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये बताना चाहिए कि आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। चंद्रशेखर को ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल में खत्म होने चाहिए उसे पूरा होने में 5 साल या उससे भी अधिक समय क्यों लग रहा है, ताकि लोगों का समय बर्बाद ना हो। शिक्षा मंत्री तो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उन्हें मौजूदा समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, वो जिस दल में है वो इसी तरह की राजनीति करता है। RJD का काम क्या है? समाज में धार्मिक उन्माद फैलाना, जातियों में झगड़ा लगाना, किसी से कुछ कड़वी बात कहलवाना ताकि समाज का कोई वर्ग रिएक्ट करे और समाज आपस में उलझ जाए, ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपने बच्चों का विकास सब छोड़कर इन्हीं सब मुद्दों पर वोट दे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है, ये RJD की सोची समझी रणनीति के तहत कहा होगा। RJD ने कहा होगा कि कहिए, तभी जाकर उन्होंने कहा है। उनकी पार्टी RJD के लीडर चार चौपाई ही पढ़कर सुना दे तो भी हम लोग मान जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इन बातों को उछालिए नहीं, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। सुशील कुमार मोदी ने शिक्षक बहाली की नई नियमावली को लेकर कही ये बात। बिहार में एक बार फिर से शिक्षक बहाली की नियमावली में संशोधन को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई दिख रही है। अब इसी कड़ी में मीडिया से बातचीत के दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मुद्दे को बिहार सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक 8 बार शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव हो चुका है। अब बिहार सरकार की तरफ से तुगलकी फरमान आया है कि बाहरी लोग बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि बिहारी छात्र अब कहां जाएंगे, बिहारी छात्रों का हक मारा जा रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार की प्रतिभा का अपमान कर रहे यह कहकर कि बहाली में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के कॉम्पिटेंट अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती थी, जिसके बाद सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। आज केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा था। गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर नीतीश सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हर कोई बिहार का दौरा करने के लिए स्वतंत्र है, हर किसी को बिहार आने का अधिकार है। वहीं जब पत्रकारों ने समान नागरिक संहिता को लेकर सवाल किया तो वो मीडिया के इस सवाल को टालते दिखे। राहुल गांधी ने इस वजह से कांग्रेस नेताओं को दी यह चेतावनी। अभी हाल में ही नई दिल्ली में पार्टी की रणनीतिक बैठक में तेलंगाना कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद देखने को मिले। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नेताओं को अपने व्यक्तिगत एजेंडे को अलग रख पार्टी के हित में काम करना चाहिए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने नेताओं को यह तक कहा कि वे आत्मभेद या अन्य मुद्दों पर प्रदेश प्रभारी के साथ चर्चा करें या सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नेताओं को पार्टी के आंतरिक मामलों का मीडिया के सामने खुलासा नहीं करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ट्वीट का किया पलटवार। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। BJP से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत 9 सालों में लगातार आगे बढ़ा है। राहुल गांधी को मैं याद दिला दूं कि यह वह गठबंधन नहीं है जहां चारा घोटाले, नौकरी के बदले जमीन मांगने वाले एक साथ हो। भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला है। वे महंगाई की बात करते हैं, कांग्रेस के शासन में डबल डिजिट में महंगाई थी, यहां तो सिंगल डिजिट में भी आधी है। इस मामले में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को नहीं मिली राहत। KGF चैप्टर 2 के संगीत के कथित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता को राहत नहीं मिली है। दरअसल राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने दायर प्राथमिकी निरस्त करने से मना कर दिया है।
बता दें कि इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति एम नागपसन्ना ने सुनवाई की। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ यात्रा के प्रचार वाले वीडियो में इस फिल्म के गाने का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर लहरी म्यूजिक के सहयोगी कंपनी MRT म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने बेंगलुरु के यशवंतपुर थाने में कॉपीराइट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, रविशंकर, कुश कुमार यादव, नरेश, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, वेद प्रकाश से। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में अब बाहरी लोग भी शिक्षक बन सकते हैं, बिहार सरकार के इस नई नियमावली पर आपके क्या विचार हैं? आप न जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।